मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मचा ईवीएम विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अपनी आपत्ति के बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई है और चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम की जानकारी मांगी है। कांग्रेस की तरफ से पूरे चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम, उपयोग में लाई गई ईवीएम और बिना उपयोग वाली ईवीएम समेत खराब हुई ईवीएम के नंबरों की जानकारी मांगी गई है। भोजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश पचौरी ने भोजपुर विधानसभा में स्ट्रांग रूम के बाहर लैपटॉप के जरिए हैकिंग की भी आशंका जताई है।